हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे खुद को बेचने के बारे में। इसका मतलब है कि हम अपने स्किल्स, गुण और क्षमताओं को इस तरह से पेश करें कि लोग हमारी काबिलियत को पहचानें और हमें अवसर दें। आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। सबसे पहले अपने अंदर की खूबियों और कमजोरियों को पहचानें। जाने कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स सबसे मजबूत हैं और कौन सी चीजें आपको सुधारनी है। यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो इस पर जोर दें। यदि आपकी टेक्निकल स्किल्स कमजोर हैं तो उन्हें सुधारें। प्रभावी संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्पष्ट और प्रभावशाली संवाद की कला सीखें। आपकी बातों का तरीका और प्रस्तुति बहुत मायने रखती है। साक्षात्कार, इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास से बोलें। अपने रिज्यूमे और कवर लेटर को प्रभावी बनाएं। नेटवर्किंग, सही लोगों से मिलना और कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग से आपको नए अवसर और जानकारी मिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन का उपयोग करें। प्रोफेशनल इवेंट्स और सेमिनार्स में हिस्सा लें। ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करें। अपनी एक पहचान बनाएं जिसे लोग पहचान सकें। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपडेट रखें। एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं। नियमित विकास, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हमेशा नई चीजें सीखते रहें और खुद को अपडेट रखें। आज के दौर में खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। नई स्किल्स सीखें और सर्टिफिकेट कोर्स करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स में भाग लें। सही दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। आपके एटीट्यूड से ही लोग आपके बारे में राय बनाते हैं। चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें। हर मौके पर सकारात्मक और उत्साहित रहें। खुद को बेचना एक कला है जिसमें आत्मविश्वास, स्किल्स और सही दृष्टिकोण का मिश्रण होता है। तो दोस्तों, खुद को बेहतर बनाने की इस यात्रा में लगे रहें और अपने सपनों को साकार करें। अगर आप और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण टिप्स और गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल लर्न विद आसिफ को सब्सक्राइब करें। यहां आपको बिजनेस, मार्केटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।